शिवपुरी के सरसौ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दरोनी में सरकारी रास्ते को लेकर कब्जे का मामला सामने आया है। वहीं दबंग हवाई फायर भी कर चुका है, जिसके बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। आज कलेक्टर से युवक ने रास्ते खुलवाने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार जानकी लाल रावत पुत्र देवकी लाल रावत निवासी ग्राम दरोनी ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उसके गांव में उसका खेत है, पास में उसके भाई रामस्वरूप रावत का खेत है, लेकिन सरकारी रास्ता उसके भाई के खेत में आता है। उसने तार फेंसिंग कर रास्ते पर कब्जा कर रखा है, जिसके चलते युवक अपने खेत पर नहीं जा पा रहा है। युवक के खेत पर सोयाबीन की फसल खड़ी हुई है, ना तो वो खेत में ट्रैक्टर ले जा पा रहा है, ना ही थ्रेशर, जिसके चलते फसल खराब होने की कगार पर है। ऐसे में युवक ने कलेक्टर से रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई। जसवंत रावत, कहाँ रहते हो? दरोनी गांव, शिवपुरी। आज जनसुनवाई में क्या समस्या लेके आए? सर, हमारा रास्ता रोक लिया है। मेरे जो ताऊ है ना, वो सर बार बार गाली गलौज करते हैं और रास्ता रोक के हमारा सर बोर पर नहीं जाने देते। मेरी सोयाबीन की फसल पकी हुई खड़ी है, उस पर नहीं जाने दे रहे थ्रेसर से निकालने, और हवाई फायर भी कर चुके हैं, बंदूक है उनके पास। सर, मैं दो तीन बार थाने में भी शिकायत कर चुका हूँ, और दो SP साहब के यहाँ भी दे चुका हूँ, और दो तीन बार कलेक्टर साहब की जनसुनवाई में भी आ चुका हूँ सर, कहीं सुनवाई नहीं। कारण से रास्ता रोक रहे हैं क्या कारण? सर, वैसे ही विवाद है, मैं आपसी सर, इसलिए रास्ता रोक लिया। जलापन का सर। जमीन वमीन किसकी है वो? सर, जमीन हमारी है, हमारी पुश्तैनी जमीन है सर। मेरा बोर भी लगा है, मेरे चाचा के भी, उनको भी नहीं जाने देते, मुझे भी नहीं जाने देते सर। हमारी रास्ता सरकारी रास्ता है, वो रोक रखा है सर, रोड है, तो उस पर तार फेंसिंग कर रख के बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिया, बोला कहीं से भी जाओ, मुझे मतलब नहीं। कब से परेशान हो रहे हैं सर? हम साल हो गए, एक दो साल हो गई लगभग, परेशानी तो काफी थी, एक दो साल से उन्होंने तार फेंसिंग कर रखी है सर। हम जब से कहीं कहीं भटक रहे हैं सर, मारने लगते दो बार हमारा हवाई फायर भी कर चुके। मेरा भल्ला है सर एक आर्मी में, तो पिछली बार छुट्टी पर आया था, तो उसने कुछ बोला निकल गया, तो उस पर भी हवाई फायर किया था। उसका आवेदन हमारे पास है, थाने में शिकायत दर्ज कर चुके हैं उसकी सर। सॉरी, फिर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं है जी सर। SDM साहब के यहाँ भी लगाया है मैंने, और तहसील में भी लगाया है सर, जो वर्तमान में चल रहा है सर, उसकी कोई सुनवाई नहीं है सर। कई बार सर आरोपी सर अपराधी किस्म का, कई बार जेल जा चुका है सर, हमें उनकी बंदूक से जान का खतरा है सर, पहले भी चला। उसके पास बंदूक का लाइसेंस ही है सर? सर, उसके पास आरोपी का पुत्र नरेश, उसके पास लाइसेंस ही बंदूक है सर, 315 बोर। अब आप क्या चाहते हो सर? अब हमें रास्ता निकलवाने की कृपा करें, कहीं से भी कैसे भी सर।